एक बार एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ों पे तीर जो हैं वो लगे हुए हैं, और एग्जैक्टली जो बुल्स आई होती है, जो सेंटर होता है, उस पे जो है वो तीर जो है उसका निशाना लगा है। तो उसने चारों तरफ देखा कि ऐसा कौन धनुर्धारी है जिसका जो निशाना है वो इतना अचूक है कि हर बार एकदम सेंटर में लगता है। तो उसने देखा कि एक लड़का था जो धनुष और तीर लिए हुए था और वो जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो उसने उस बच्चे को कॉम्प्लीमेंट किया, उसको बधाई दी, और उसने कहा कि तुम्हारा निशाना तो बड़ा अचूक है, ऐसा कैसे करते हो, क्या मुझे तुम एक बार ऐसे करके दिखा सकते हो। तो जो बच्चा था वो बड़ा सकुचाया और उसके बाद वो बोला कि असल में मैं इतना अच्छा निशानेबाज नहीं हूं, मैं इतना अच्छा धनुर्धारी नहीं हूं, मैं सबसे पहले जो है वो तीर जो है वो फेंकता हूं, और तीर का निशाना जब सही लग जाता है जिस पेड़ पे, तो उसके चारों तरफ जो है वो मैं निशान बना देता हूं। तो दोस्तों, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और ये केवल वो बच्चा नहीं कर रहा है बल्कि ज्यादातर लोग यही करते हैं। जो लोग जिंदगी में बहुत सफल हो जाते हैं वो अक्सर जब अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, अपनी कहानियां लिखते हैं, तो उससे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे कि उनको शुरू से पता था कि उनको वही बनना है, उनको वहीं पहुंचना है जहां वो पहुंचे। उसमें अक्सर जो है बहुत सारी चीजों को छुपाया जाता है, बहुत सारी चीजें उसमें नहीं रहती हैं। सही बात तो दोस्तों ये है कि हमें नहीं पता रहता कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है या हम किस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। अब जैसे आप गांधी जी को ही देखिए, तो गांधी जी जो हैं उनको कभी नहीं अंदाजा था कि वो इतने बड़े दुनिया के जो है वो लीडर बनेंगे। वो तो सिर्फ एक वकील थे, उन्होंने वकालत की तैयारी की, वकालत की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उसमें भी उनको अच्छा काम नहीं मिलता था। मजबूरी में उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा, और वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई कि उनको पॉलिटिक्स में आना पड़ा, और फिर वहां से उनकी सफलता का जो है सिलसिला शुरू हुआ और वो दुनिया के बड़े महान नेता बने। इसी तरीके से आप किसी की भी बात करें तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति बहुत बार बहुत सारी चीजों में फेल हुआ, और उसके बाद फेल होते 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 उसको एक ऐसी चीज मिली जिसमें उसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई, और उसके बाद में वो सफलता के शिखर पर पहुंचा। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम सफलता की आकांक्षा करते हैं, जिंदगी में कुछ सफल बनना चाहते हैं, तो उनके रास्ते को अख्तियार न करें जो बहुत सफल हैं, क्योंकि उससे हमें सत्य का पूरा पता नहीं चलता है, वो हमें स्वयं ढूंढना है। हमें बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ों में हम सफल होंगे, कुछ में थोड़े सफल होंगे, कुछ में फेल होंगे, कुछ में बुरी तरीके से फेल होंगे, और इस तरीके से हमें पता चलेगा कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ में बुरे हैं, और फिर हम उन चीज़ों को छोड़ देंगे जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, और धीरे धीरे करके हम खोज पाएंगे कि कौन से मार्ग पर चल के हमको सफलता मिलेगी। तो इसलिए हमें अगर सफलता चाहिए तो हमें असफलता के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके दर्द को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, और अगर हम असफलताओं से निराश हुए बिना आगे बढ़ते चले जाएंगे उम्मीदों के साथ में, मेहनत के साथ में, तो हम अपने मकसद पे पहुंचने में जरूर कामयाब होंगे।